तो मैं आज ये भी पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश में है तो यहीं से प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आज लड़कियों के साथ अयोध्या कन्नौज से लेकर कोलकाता तक जो हो रहा है उसके ऊपर आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? हम पूछना चाहते हैं सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से, जो अब यूपी के दो लड़कों में बढ़के वाले लड़के हो गए हैं, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत की दुकान में ये क्या सिर्फ अपराधी, भ्रष्टाचारी और बलात्कारी सामान ही उपलब्ध है? हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी से कि यदि बंगाल में आपके सबसे प्रमुख नेता, जो पिछली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे अधीर रंजन चौधरी जी, ने कहा है कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और वो कहते हैं कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से तानाशाह हैं और वो अपराधियों का संरक्षण कर रही हैं, उसके बाद आप किस मुंह से उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं? ऐसा विचित्र उदाहरण आपको देखने में नहीं मिलेगा कि गठबंधन में रहते हुए दल एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार की भाषा बोलते हो। तो इसलिए हम इंडी गठबंधन के समस्त रचनाकारों से ये भी पूछना चाहते हैं, और हम ये कहना चाहेंगे ये वही उत्तर प्रदेश है जहां एक दौर में शर्मनाक बयान दिया गया था कि लड़कों से गलती हो जाएगा, और जब से इन दो लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से आपराधिक तत्वों की हिम्मत और हिमाकत भी बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इस समय इन दो लड़कों से गलती नहीं हो रही है, ये अपराधियों को संरक्षण करने का अपराध किया जा रहा है। और इससे पूर्व भी ये पार्टियां सदैव अपराधियों को, यहां तक कि आतंकवादियों को भी प्रश्न देती रही। अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जब आपकी पार्टी के नेता सीधे इस प्रकार के दुष्कर्म में संलिप्त हैं तो उसके उपरांत भी आपकी तरफ से कोई प्रभावी कार्रवाई न होकर बल्कि इन अपराधियों को कवर फायर देने का प्रयास, देखिए दोनों दल एक दूसरे के अपराधियों को कवर फायर दे रहे हैं। जैसे अपराधी लोग आते ना, कहते मैं ये काम करूंगा तो तुम यहां पे अटेंशन डाइवर्ट करना और तुम ये अटेंशन डाइवर्ट करना। तो मैं अखिलेश यादव जी से भी कहना चाहूंगा कि आप जो पीडीए का नारा देते थे वैसे इसकी परिभाषा बोलो अपने सुविधा अनुसार समय समय पर बदलते रहे हैं। कभी ए का मतलब अल्पसंख्यक हो जाता, कभी वो कहते हैं ए का मतलब आदिवासी है, तो जब से पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है तो ए का मतलब अगड़ा भी बोलने लगते हैं। पर अब इस घटना के बाद जो उनकी मानसिकता उभर कर सामने आई है उससे अब ये पीडीए तो मुखौटा है और इसके पिछड़े का असली चेहरा है परिवारवादी दबंग, परिवारवादी दबंग और अपराधी। ये असली चेहरा है समाजवादी पार्टी का, ये असली डीएनए है कि दबंग और अपराधियों के माध्यम से परिवारवाद की सत्ता को पुनः प्राप्त करना अथवा सुनिश्चित करना। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये इनके चरित्र में है, राजनीतिक डीएनए में है। और इसके लिए मैं कोट करना चाहूंगा बहुत पुराने और बड़े प्रसिद्ध समाजवादी नेता और शायर हुए अदम गोंडवी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी में आए हुए आपराधिक तत्वों से दुखी होकर दो पंक्तियां लिखी थी, वो मैं आपको पुनः स्मरण कराना चाहता हूं। उन्होंने समाजवादियों के लिए लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है राम राज जो विधायक निवास में। और आगे की ऊंची लाइन है, मेरी नहीं है, पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास। तो ये इनका जो असली चेहरा है वो मैंने उन्हीं के एक नेता और उन्हीं के एक शायर के जबानी मैंने बताने का प्रयास किया। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश को जागरूक होने की जरूरत है कि ये ऐसे तत्व हैं इंडी गठबंधन वाले, अपराधियों को संरक्षण देने की उस दुर्दांत मानसिकता के प्रतीक हैं जो संविधान को ही खतरे में नहीं डालती, समाज को भी खतरे में डालती है और किसी भी व्यक्ति की जान को भी किसी भी समय खतरे में डाल सकती है।
देखिए इस विषय पे जब माननीय मुख्यमंत्री सदन के पटल पे बोल चुके हैं तो मुझे लगता है उसके बाद किसी भी प्रकार के अन्य बयान की आवश्यकता है। देखिए बहुत दुखद बात है, देखिए बहुत दुखद बात है कि सीबीआई को केस रिकमेंड करने के लिए उन्हें सिर्फ 70 सेकंड चाहिए थे, यानी कागज पर दस्तखत करना, उसमें तो कह रहे थे 7 दिन का समय चाहिए, और यानी ये कह रहे थे साक्ष्यों को देखने में 7 दिन का समय चाहिए। अब ये कहना मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनकी खिसियाहट नहीं बल्कि शरारत का भी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ममता बनर्जी जी वही है जिन्होंने 2021 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में एक अपमानजनक प्रकार की टिप्पणी करते हुए कहा था ये सब यूपी का गुंडा लोग यहां आता चला जा रहा है, आपको याद होगा 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव, और हकीकत में उन्होंने उस पार्टी से जाके गठबंधन किया है जिसके लिए खुद यूपी में एक जमाने में नारा लगा था चढ़ गुंडन की छाती पर और मोहर लगाओ हाथी पर, यह हमारा नारा नहीं था, कलकत्ते वाली बुआ जी को समझना चाहिए, लखनऊ वाली बुआ जी का दिया हुआ नारा। देखिए समाजवादी पार्टी के इतने फैक्ट्स अवेलेबल हैं, उनको फैक्ट फाइंडिंग नहीं उनकी कैरेक्टर फाइंडिंग पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, तो किसी भी प्रकार की लिपापोती करने से नहीं हो सकता। जैसे कोई असाध्य रोग को आप चाहें कि मैं कॉस्मेटिक क्रीम पाउडर लगा के दिखा दूंगा तो मुझे लगेगा कि ये व्यक्ति स्वस्थ है और अच्छा है, तो वो नहीं। देखिए ये भी बहुत साफ है कि ममता बनर्जी जी के बयान के जवाब में सिर्फ इतना कहूंगा कि इसमें उनकी वोट बैंक की सियासत है, क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में उनके जो मुख्य रणनीतिकार थे, जो ऑफिशियली उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे, उनका बयान था कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। अब सारे प्रबुद्ध लोग समझते हैं कि 30% से गिनती शुरू होने का मतलब क्या है, और बस उसी से इस बयान का अर्थ स्वयं निकाला जा सकता है कि किसके प्रति नफरत और किसके प्रति मोहब्बत उनके दिल में है। देखिए पुलिस पे तो उनको अपनी सरकार में रहते हुए भरोसा नहीं होगा, पुलिस पे अटैक की 100 से ऊपर घटनाएं सपा के सरकार में हुई थी, 12 से अधिक लोगों की हत्याओं की बातें थी, जवाहरबाग की घटना आपको याद होगा, तो मुझे लगता है जिनका करेक्टर ऐसा हो उनका फैक्ट दुनिया को समझने के लिए किसी फाइंडिंग कमेटी की जरूरत नहीं। मुझे लगता है योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में इतना बदलाव नजर आया है, जो आपने कहा तो मुझे खुद चीज ध्यान आ गई, और जो आज के इस प्रेस वार्ता से भी स्वतः संबंध हो गया। आपको याद हो इन दोनों दलों में अपराधियों के संरक्षण का कैसा संबंध है कि जब मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में थे, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तो उसने कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि मुझे पंजाब की जेल में रहने दिया जाए, जहां मेरा मुकदमा चल रहा वो यूपी में नहीं जाना चाहता, तो बस इतना ही काफी है कि उसे लगता था कि कांग्रेस के दामने रहमत में अपराधी अपने को महफूज महसूस करते थे, और योगी जी के आने के बाद अब स्थिति यह हो गई है। हम तो आजकल दिल्ली ज्यादा रहते हैं, तो पहले दिल्ली में लोग जानते क्या कहते थे जब सपा की सरकार होती थी, उद्योगपति और व्यवसायी जो यहां विकास में भूमिका अदा कर सकता था वो कहता था मुझे यूपी नहीं जाना, नोएडा के आगे नहीं बढ़ना। आज अपराधी और माफिया कहता है मुझे यूपी नहीं जाना, मुझे जेल में भी रहना है तो यूपी की जेल में नहीं रहना। मुझे लगता है बस इतना बदलाव पर्याप्त है समझने के लिए,
और एक और बात कह दूं, जो बदलाव आया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश किसके लिए जाना जाता था सपा की सरकार के समय में? प्रचलित चेहरे क्या थे? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अबू सलेम, छोटा शकील। क्या उत्तर प्रदेश की इमेज थी? फिल्में बनती थी जिला गाजियाबाद, लखनऊ सेंट्रल, मिर्जापुर सीरीज, और याद करिए ओंकारा फिल्म में मेरठ का गैंगवार, तो बाबर फिल्म में कानपुर का गैंगवार, ये छवि थी। 20 साल पहले की आपको याद हो, 22 साल पहले की फिल्म थी कंपनी, जिसमें दिखाया जा रहा है कि मुंबई में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो रही है, और वो कह रहा है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं उनको पकड़ना मुश्किल है क्योंकि बाहर से लड़के आते हैं, और दिखाया जा रहा है गोली चली और एक लड़का जाके बस में बैठता और उसके बाद लिखा हुआ आजमगढ़ 500 किलोमीटर। ये छवि थी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की। और आज बदलाव यह है कि उसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो 3-3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 5 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। तो ये बदलाव अगर किसी को दिखाई पड़ रहा हो तो ये बदलाव आंखों से देखा जाता है। देखिए आज इस विषय के ऊपर प्रेस है, फिर भी आपने कहा तो मैं सिर्फ इतना बोल देना चाहता हूं, इस 15 अगस्त में प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद पहली बार आपको दिखाई पड़ा कि सेल्फ प्रोक्लेम चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी सेक्युलर के स्वयंभू जो नायक हैं उनको पहली बार सेक्युलर शब्द से आपत्ति होती हुई दिखाई पड़ा। इसके लिए मात्र 7 महीने पहले आप जाइए मध्य प्रदेश चुनाव में, अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस से क्या बोला था, बहुत चालू पार्टी है, और कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए क्या बोला था, मेरे शब्द नहीं उनके, बहुत चिरकुट पार्टी है, और अखिलेश जी के लिए अखिलेश बखिलेश शब्द बोला था। तो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या है? और मैं फिर कहना चाहूंगा, ये जो कांग्रेस की ताकत बढ़ी है ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मुलायम सिंह जी ने कहा था अपना घर मत दिखाना, और मैं बताना चाहता हूं कि अब कांग्रेस आने वाले समय में, जब उसने कहा था 403 विधानसभाओं में हम अपनी यात्रा भी निकालेंगे, तो मुझे लगता है हमारी तरफ देखने की बजाय कम से कम अखिलेश जी ध्यान रखे, वो पुराना गीत था ना, तुरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर मन की आंखें खोल,